हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे सुपर लीग T20 मैच का जो खेला जाएगा मुल्तान वर्सेस करेंची का बीच। मुल्तान और करेंची का बीच जो मुकाबला होगा वह होगा आज ही शाम को 7:30 बजे इंडियन समय अनुसार, 7:30 बजे शाम को समय, 7:30 बजे शाम को समय जो मुकाबला होगा वह मुकाबला कैसा होगा और कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा, आपस में हेड टू हेड रिकॉर्ड किसका अच्छा है, जिनका सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है लेकिन वो बैट्समैन हो, वो विकेट कीपर हो, वो फ्लॉप्स होने का संभावना है। कुछ बैट्समैन के बारे में भी बताऊंगा जिनके लोग इग्नोर करके जाएगा, आप अपने टीम में रखिएगा तो अच्छे खासे प्राइज मिल सकता है, अच्छे खासे प्रॉफिट कर सकते हैं। और ऑलराउंडर सेक्शन में यूनिक ऑलराउंडर के रूप में कौन सा रहने वाला है और ऑलराउंडर सेक्शन में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, जो बॉलर होगा अच्छे खासे बॉलर है, बैट्समैन सेक्शन में किसे रखना चाहिए अपनी टीम में और जिनके लोग इग्नोर करके जाएगा उसे अपने टीम में लेना चाहिए, जिनका सेलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई है उसे अपने टीम से बाहर करना चाहिए और जिनका सेलेक्शन परसेंट लो है लेकिन बॉलर लाजवाब है उसे मैं डर्म कार्ड यूनिक बॉलर के रूप में बताएंगे। हालांकि पिच रिपोर्ट के साथ साथ ये भी बताएंगे यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होने वाला है। यूनिक कैप्टन ही वाइस कैप्टन आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दिला सकता है। चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए विकेट कीपर सेक्शन से बात करते हैं। विकेट कीपर सेक्शन में 5 विकेट कीपर है। 5 विकेट कीपर में से पहला है मोहम्मद रिजवान भाई, ये 2 नंबर में बैटिंग करने आएगा। सेलेक्शन परसेंट हाई है लेकिन इनके अंदर काफ़ी टैलेंटे है, कभी भी लंबे स्कोर कर सकता है। T20 के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो अच्छे खासे प्रदर्शन करने का संभावना और उम्मीद लगा सकते हैं। इसे रखने के बाद देखिए दूसरी में टी सामित का देखिए ओपनर आएगा इस टीम का अगेंस्ट करेंची की तरफ से, और रिकॉर्ड ठीक ठाक है, खास नहीं है, कभी अच्छे स्कोर करता है कभी फ्लॉप्स होता है। देखिए हर एक प्लेयर के बारे में मैं आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको टीम बनाने में कोई परेशानी और कोई कठिनाई ना हो, आप अपने हिसाब से टीम क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। और तीसरा विकेट कीपर में चार्सन्स भाई, इनका ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है, 2 मैच में फ्लॉप्स हुआ है, उससे पहले अच्छा रिकॉर्ड था। और ओपनर आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ओपनर आएगा डर्म कार्ड यूनिक प्लेयर के रूम में रहने वाला है। और ये 3 विकेट कीपर में से तीनों का लाइनअप में नाम शामिल है। टॉस होने के बाद इन तीनों में से कोई ड्रॉप होगा तो आप अपने हिसाब से ड्रॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो तीनों के तीनों को ले सकते हैं, आप चाहें तो 3 में से 2 अंतो 1 निश्चित रूप से आपको रखना चाहिए अगर आप डर्म कार्ड यूनिक प्लेयर के रूम में रखना चाहेंगे या सेब। अगर आप लोग हेड टू हेड लीग 3 मेंबर वाला लीग और सेब लीग खेलते हैं तो आप 3 के साथ जा सकते हैं। दूसरे में बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन में। बैट्समैन सेक्शन में डेवी मलंग रिकॉर्ड ठीक ठाक है, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का उम्मीद लगा सकते हैं। और जे वाइस अच्छे खासे प्रदर्शन कर रहा है और हर मैच में अर्धशतक लगा रहा है। T20 में अर्धशतक लगाना काफ़ी टैलेंट भरा बात होता है, कभी भी लंबे स्कोर करता है, उनका उम्मीद हमेशा लगता है। जितने भी मुकाबले हुए हैं रिशन के मुकाबले में अच्छे खासे 50 यानी 100 तक मार के जा रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उससे पहले पिच रिपोर्ट के। पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड पर पेसर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 165 बनेगा। वेन्यू मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में खेला जाएगा। मुल्तान का ग्राउंड पर जो है हाई स्कोर बनने का चांस 220 बनेगा। लो स्कोर की बात करें तो लो स्कोर 100 बनेगा। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं इस ग्राउंड पर कुल मिलाकर रिसेंट का 8 मुकाबले खेले गए हैं। 8 मुकाबले में से जो टीम पहले बैटिंग किए हैं वो 6 मुकाबले जीते हैं और जो टीम पहले बॉलिंग किए हैं वो मात्र 2 मुकाबले जीते हैं। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं दोनों टीम से बैटिंग फर्स्ट करना या बैटिंग सेकंड करना और अच्छे खासे रहने वाला है। यहाँ पर अब इन टर्म डेसी मलम जेस वॉइस में से किसी एक को ले सकते हैं, मैंने इसे लोग का जे वॉइस को रखा हूँ।
और एस मोहम्मद का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। इन दोनों का शतक पर काफ़ी ठीक ठाक है। लाइनअप में देख लीजिएगा कितने नंबर में बैटिंग का ऑर्डर आएगा। अभी फिलहाल के लिए 3 नंबर में है। प्लॉट साहब का रिकॉर्ड तो खास नहीं है, लेकिन फिर भी इनका लाइनअप में 5 नंबर में नाम अभी शामिल है। टॉस होने के बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट बॉलर है ईरान तेगरा, डर्म कार्ड यूनिक बैट्समैन के रूम में रहेगा और सिलेक्शन परसेंट कम है। इसे आप अपने टीम में रखिएगा तो रखिएगा, लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर दीजिएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं आप। इफरान खान अच्छे खासे उम्मीद कर लगा सकते हैं। ये 2 डर्म कार्ड यूनिक बॉलर के रूम में रहेगा। ध्यान से देखिए 6 बॉलर में से आप 6 में से 6 को ट्राई कर सकते हैं, 6 में से 4-3 जो करना है कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए डेमो के लिए टीम बनाकर भी बताऊंगा। और अब आ जाते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में आने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं। और देखिए यहां दोनों टीम की तुलना में कोई टीम कमज़ोर और कोई टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुल मिलाकर 12 मुकाबले हुए हैं और 5-6 के कम्बिनेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर कानज, इनका सिलेक्शन परसेंट काफ़ी हाई होगा, हर कोई इनके साथ जाएगा और अच्छे खासे बॉलर भी है, अनुभवी भी है, एक्सपीरियंस भी है इनके अंदर। लेकिन इनके अंदर एक बात का मैं आपको बता देता हूँ, अनुभवी के साथ साथ ये क्या कर सकता है। देखिए और यहाँ पर देखिए मोहम्मद नवाज ठीक ठाक उम्मीद कर सकते हैं, अच्छे खासे प्रदर्शन करने का संभावना रहेगा। और इसे लेने के बाद देखिए आपको इम्पोर्टेंट इतना अहमद खास प्रदर्शन नहीं कर रहा है। डिसमेल भाई सेब है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट करता है, कभी भी लंबे स्कोर मार सकता है, कभी भी लंबे स्कोर खेल सकता है, लेकिन अभी रिसेंट के मैच में फ्लॉप्स हो रहा है। शोएब मलिक ठीक ठाक प्रदर्शन करने का संभावना बना रहेगा और रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। ये 6 बॉलर का रिकॉर्ड अच्छे हैं, इन 6 में से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं, यानी ऑलराउंडर का 6 का 6। अब मैं अपने हिसाब से टीम बना कर दूंगा, पहले बॉलर में बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आयसन का लाइनअप में भी नाम शामिल है, अच्छे खासे बैट्समैन है, बॉलर है, काफ़ी लाजवाब प्रदर्शन करेगा, ऐसे भी ठीक ठाक करेगा, ऑल स्टेन अच्छा खासा है। उसके बाद देखिए अनवर अली ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेता है, कभी हाई स्कोर करता है कभी नहीं। एम यूरन लाइमान अच्छे खासे बॉलर है लेकिन सलेक्शन परसेंट कम है। टी शमी का लाइनअप में भी नाम शामिल है, सफराज धनी का लाइनअप में भी नाम शामिल है, हैसरी डेवलन, ये 7 बॉलर में से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके सामने में सबसे पहले मैं बॉलर सेक्शन में लूँगा। मैं जानता हूँ बैटिंग का फेवर में टीम जाता है, फिर भी मैं बॉलर सेक्शन में टीम बनाऊँगा। देखिए यहाँ पर मैंने करीबन इम्पॉर्टेंट बॉलर जो है अपने टीम में 4 जरूर रखूँगा, क्योंकि सिलेक्शन परसेंट हाई हो या लो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं 4 बॉलर को जरूर रखूँगा। यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 तीनों का तीनों डर्म कार्ड यूनिक बॉलर रखा हूँ और 4th बॉलर भी डर्म कार्ड यूनिक रखा हूँ, क्योंकि मैं ग्रैंड लीग का रिक्सी टीम बनाता हूं। अगर आप लोग ग्रैंड लीग का सेफ टीम बनाते हैं तो अलग बॉलर को ट्राई कर सकते हैं। 4 बॉलर लेने के बाद देखिए मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आता हूं। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए अभी फ़िलहाल के लिए कानज, मोहम्मद नवाज और डिसमेल, ये 3 ऑलराउंडर को रखा हूँ। अब बैट्समैन में आने से बाद देखिए मैं बैट्समैन सेक्शन में किसे रखूँगा। अगर इन दोनों खेलेगा तो इन दोनों को ट्राई करूंगा, या तो मैं एस मोहम्मद को, आप बेस्ट विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान को करूंगा। एक बैट्समैन मुझे छूट रहा है, जो कि मैं एक बॉलर को ड्रॉप कर सिलेक्शन परसेंट हाई है, उसके जगह मैं बैट्समैन को जरूर पिक दूंगा, अच्छा खासा रहेगा। देखिए मैंने बॉलर बैट्समैन सेक्शन में 2 डर्म कार्ड यूनिक बॉलर बैट्समैन ले लिया हूँ और 3 बैट्समैन सेव लिया हूँ, 2 बैट्समैन रिक्सी लिया हूँ, जिसे आप लोग रिक्सी कहते हैं हम लोग यूनिक कहते हैं। इन्हें लेने के बाद देखिए यहाँ पर डिसमेल को मैं अपनी टीम में रख लिया हूँ। इसे रखने के बाद देखिए नवाज और डिसमेल दोनों को रख लिया हूँ, अच्छे खासे हैं और 5-6 के मैंने कम्बिनेशन बनाया हूँ।
और यहाँ पर चारों का चारों कुल मिलाकर छः बॉलर जो छः बैट्समैन है वो बॉलर और बैट्समैन लगाकर मैं चारों का चारों रिक्सी टीम बनाया हूँ। तो चारों छः बॉलर बैट्समैन मिलाकर रिक्सी लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए और मैं करेंट लीग का रिक्सी टीम बनाता हूँ तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे दूंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं जानता हूँ बैटिंग का फेवर में टीम जाता है, मैं कैप्टन के रूम में इसे ट्राई करूँगा या कैप्टन के रूम में एस मोहम्मद को करूँगा। दोनों टीम से अच्छा खासा है, मैं कैप्टन इसे ट्राई कर रहा हूँ। और वाइस कैप्टन के रूम में किसे ट्राई करूँगा, वाइस कैप्टन के रूम में एस धानी को कर रहा हूँ। अच्छा खासा रहेगा, इसे रखने के बाद सेफ टीम करता हूँ। सेफ टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है, ध्यान से देखिएगा। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं आने वाला है। देखिए मेरा ग्रैंड लीग का ये रिक्सी टीम हुआ है, और आप लोग अगर ग्रैंड लीग का सेफ टीम बनाना चाहते हैं तो इतना रिक्स नहीं लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।